सुहागिन महिलाएं करवा चौथ 2024 की तैयारी में जुट गई हैं। इस साल यह व्रत 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन चांद देखने के बाद ही रात्रि के समय करवा चौथ का व्रत खोला जाता है। महिलाएं पहले चंद्रमा को अर्घ देती हैं, उसके बाद छलनी से चंद्रमा और अपने पति का चेहरा देखती है। हर साल करवा चौथ का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की डेट, तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके अलावा द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सेहत की कामना करने के लिए निर्जला व्रत रखती है। वहीं इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी वर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इस साल चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन सुबह 6:46 के बाद शुरू होती है। वहीं करवा चौथ पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर सुबह 5:45 तक रहेगा। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में चांद देखने का समय इससे थोड़ा अलग हो सकता है। अपने शहर के हिसाब से चांद निकलने का यह सही समय एक बार ज़रूर देख लें। करवा चौथ के दिन स्नान आदि के बाद करवा चौथ व्रत और चौथ माता की पूजा का संकल्प लेते हैं। फिर अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा के लिए 16 सिंगार करते हैं। फिर पूजा के मुहूर्त में चौथ माता या माँ गौरी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा के समय उनको गंगा जल, धूप दीप, अक्षत, रोली, फूल, पंचामृत आदि अर्पित करते हैं। वहीं दोनों को श्रद्धा पूर्वक फल और हलवा पूरी का भी भोग लगाते हैं। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ देते हैं और उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। न्यूज़ 4 नेशन के लिए पल्लवी वर्मा की।